सलाम मैं साजिद और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल तो जी हाँ नाजीन आप सोच रहे होंगे कि आज प्रोग्राम एक मौका में किस तरीके के सवाल होने वाले हैं और पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है इस प्रोग्राम का आगाज करें लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी बात जो इमाम अली इर्शाद फरमाते हैं कि अगर आपको किसी शख्स के बारे में जानना है उसे पहचानना है तो ये देखें वो किसके साथ उठता और बैठता है उससे पता चल जाएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किससे एसोसिएट है जी हाँ नाजिन प्रोग्राम एक मौका में एक ऐसी ही पार्टिसिपेंट आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में आने वाली हैं जो बहुत दूर से नहीं बल्कि मुंबई से ही ताल्लुक रखती हैं तो वक्त हो चला है कि उनका इस्ते करें हमारे प्रोग्राम एक मौका में तो चलिए हम इस्ते करते हैं नसरीन फातिमा का पहली बार प्रोग्राम एक मौका सीजन टू में हिस्सा लेने जा रही हैं वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप खैरियत हैं जी खैरियत नसीीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने बेहतरीन सवाल भेजे थे प्रोग्राम एक मौका के लिए तो सबसे पहले आप हमारे नाजर को अपने बारे में बताएं जी हमारा नाम नसरिन फातिमा है हम एक हाउस वाइफ है चलिए आप एक हाउस वाइफ है बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब अगर कोई है वो हाउस वाइफ होना है बहरहाल नसीन आप प्रोग्राम एक मौका में क्यों आना चाहती थी जी एक मौका ऐसा प्रोग्राम है जिसे आके मतलब अपने सवाल के ख़ुद ही यहाँ पे जवाब हासिल कर सकते थे और हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस एक मौका प्रोग्राम में आए चलिए इसलिए हम आए आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई आपने बेहतरीन सवाल भेजे हमें और आज आपको एक मौका मिला तो यहाँ अच्छा रहा है नाजीर हमारे प्रोग्राम एक आप और आपके सवाल सीजन टू में नसीन फातिमा जो मुंबई से ही ताल्लुक रखती हैं आ चुकी हैं अपने सवालों को पूछने के लिए आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में पहली बार कोई पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए आ रही हैं तो चलिए हम करते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका सीजन टू में सवालों के जवाब देने के लिए जोरा निहाल जैदी का आप अलहमदिल्ला शुक्रिया खुदा सबसे पहले तो हम प्रोग्राम एक मौका के बारे में आपको बताना चाहेंगे क्योंकि आप पहली बार आई हैं उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जैसा कि आपका यह प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल का सीजन टू है दूसरा साल चल रहा है और इसमें तकरीबन अब तक जो है 40 से 50 लोग इस प्रोग्राम एक मौका में आ चुके हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आ चुके हैं ये प्रोग्राम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोग खुद सवाल भेजते हैं जी और वो यहाँ आकर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं उनके सवाल जो हैं अच्छे रहते हैं हमारी टीम को अच्छे लगते हैं तो उन्हें यह मौका दिया जाता है कि वो तो यहाँ पर आएँ और अपने सवाल पूछें तो आप प्रोग्राम एक मौका के बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसा कि आप पहली बार आई हैं और प्रोग्राम एक मौका आप देखती थी माशाला बहुत यानी हमने कई बार देखा और मतलब वहाँ पे यूथ इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इतने हौसले इरादे के साथ और माशाल्लाह ये मन यानी ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल जैसे समंदर को कूजे में समेट दे ज़मीन को बिल्कुल मिट्टी में ले लिया कि मख्तलि मकाम से मख्तलिफ्सियतें रू रूबरू रू हो के लोगों की फिक्रों को समझना बहुत अच्छा और बिलखसूस जवानों के लिए मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना दीन के लिए इतना जोश में है और इतना ज़्यादा उसके लिए यानी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं अल्लाह उनकी तमाम तोफ़ी में और बिलखसूस इस प्लेटफॉर्म के जितने भी मम्बरान हैं और बिलखसूस आप जो होस्टिंग करते हैं माशा यानी आने वालों को सराहते हैं उनकी हौसला अफजाई अल्लाह आप तमाम की तोफ़ी में जो है इजाफा फरमाए फरमाएमी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम एक मौका में आई और यकीन हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि पहली बार आप पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगी और उम्मीद करता हूं कि जो यहां पर आज नसरीन फातिमा आई हैं मुंबई से ये मुतमिन होकर जाएंगे इनशा पुरसकून जवाब देने की कोशिश मैं भी करूँगी इनशा चलिए इन आप तैयार है सवाल पूछने के लिए आप, आप रेडी हैं जवाब देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए तो जी हाँ नाजिन देख आपने देखा कि प्रोग्राम एक मौका में नसरीन फातिमा जो मुंबई से ही ताल्लुक रखती हैं वो यहाँ पर सवाल पूछने जा रही हैं और उनके पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं जकरा ज़ोरा निहाल जैदी हम आपसे मुलाकात करेंगे ये सवाल जवाब के सिलसिले के बाद देखते रहिए प्रोग्राम एक मौका वालेकुम सलाम और रहमतुल्ला कैसे हैं आप हम ठीक हैं आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलहदुल्ल खुदा आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप हमारे सवाल का जवाब देने के लिए आई हैं जजाकल्ला जजाकला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी बिसमानरिम इस्लाम औरतों के लिए क्या हुक्म देता है अपनी फ़ैमिली और समाजी ज़िंदगी के लिहाज से नसीन बहुत प्यारा सवाल आपका कि औरत का फैमिली लाइफ में और जो है समाजी ज़िंदगी में घर में और घर के बाहर क्या रोल होना चाहिए है? ताकि वो कामयाब भी हो और घर में भी सुकून की फजा बनी रहे इसके लिए मैं एक मिसाल का सहारा आपके लिए भी और नाजरीन इकराम के लिए भी कि जब हम एक माला बनाते हैं हार बनाते हैं फूलों का तो उसमें कई हार की ज़रूरत होती है या हम जब आरती के लिए चराग जलाते हैं दिया तो उसमें हमें कई चराग की यानी कई दिए की जरूरत होती है समंदर के लिए बहुत ख़तरात की ज़रूरत होती है लेकिन एक घर में सुकून लाने के लिए सिर्फ़ एक औरत दस मर्द भी मिल घर में वो सुकून नहीं ला सकते जो एक औरत और इसको मैं कुरान के क्या से किसुर में परवर दिगार आलमशात फरमा रहा मिननायात अन ख़लकुमिनफ़ुम अजवा जा मैंने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे जोड़ों को खल्क किया ताकि तुम सुकून हासिल करो और ये मोहब्ब और इसके बाद परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को और रहमत को करार दिया तो अब जब औरत घर में यानी फैमिली के एतबार से जो आपने सवाल किया जब वो घर में एंटर हो रही है अर्द के बाद वो अपने घर में आ रही है तो सबसे बड़ा उसका ये वो होना चाहिए कि मैं पीस का जरिया बनू सुकून का जरिया बनूँ है ना उस घर में जब हम आ रहे हैं तो उस घर में हर एक बिलखसूस शोहर के लिए क्योंकि छठे मामात फरमाते हैं अक्सर उलखैर फिर नसा ज्यादातर खैर क्या है? औरत के अंदर है और ये निसफ ईमान की जामिन है ये रहमत का जरिया है मवदत का जरिया है गुरबत का है उनस का जरिया है तो सबसे पहले वो इस पैगाम को लेकर अपने घर में दाखिल हो कि मैं मतलब हालात कोई भी होंगे कैसी भी सिचुएशन होगी कैसा भी माहौल होगा लेकिन मैं अपने नफ्स से अपने मतलब अपनी ज़ात से अपने घर के तमाम मेंबर, पहले तो फोकियत यानी शौहर बच्चे मैं सुकून लेकिन इसके मैं उसे सुकून पहुंचाऊंगी लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो बजात ख़ुद पुरसकून हो अगर वो खुद मतलब बेचैन होगी मुस्तरब होगी तो वो कैसे लोगों को सुकून पहुँचाएगी फिर जब घर में माहौल यानी खुशगवारी का होगा उसके बाद जब वो माँ बन जाएगी तो ख़ुद पुसकून है उससे वो वाबस्ता जितने रिश्तेदार हैं जितने घर में मेंबर्स हैं वो पुरसकून है फिर उस पुरसकून माहौल में खुद वो जनों शोहर मिल के यानी बच्चों की जो परवरिश होगी उसमें ये जो है बेहतरीन तरीके से अपनी कुर्बानी के जरिए अपने किरदार इल्म और हुनर के जरिए उन्हें परवान चढ़ाए और एक बच्चा भी लायक निकल जाए तो यह औरत कामयाब ये हो गई घर की जिंदगी लेकिन इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कि आपके जहन में ये जवाब आए कि हमें हम सुकून पहुंचाने का जरिया है तो बस हम घर में सुकून ही पहुंचाते रहे सबको और सबके लिए काम ही करते रहे तो हम मतलब बाइकॉट हो गए हम सामाजिक जिंदगी से माशरती जिंदगी से सेलहदा नहीं इस्लाम ने पूरे राइट्स आपको दिए कि जब आप घर में और इसके लिए बहुत ही अच्छी हम लोग हमारे लिए जितनी मिसाली खुवा गुजरी हैं जो मिसाली शोज देख रहे हैं उन्हें पता है कि जनाब मलिकतुल अरब घर में जहां रहमत आलमीन के लिए जो है यानी सुकून का जरिया थी उनकी जोजियत में आके वहीं माशरती जिंदगी में बेहतरीन बिजनेस मैन भी थी यानी अहिल मक्का में सबसे अमीर तरीन खातून तीन माले का घर उनका खुद का था यानी उनके घर में सारे अहिल मक्का आ जाते थे जो इंडियन सिल्क होता है पहले यानी आज तो आप उसको इसके नाम से जानते हैं इंडियन सिल्क लो, उस उस टाइम पे यानी मक्का बहुत गर्म एरिया था तो वहाँ पर इंडियन सिल्क तो क्रैश की खातिन पहनने के लिए बहुत पेचैन होती थी हर एक को मैसर नहीं था लेकिन उनके थर्ड फ्लोर से वो पर्दा यानी गर्मी को रोक सके गर्म हवाओं को थर्ड फ्लोर से उनके पर्दा डाला जाता था ज़मीन तक कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था यानी घर से बाहर भी बेहतरीन सच्चाई ईमानदारी ऐमानदारी अमानतदारी से बिजनेस भी किया और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो दीन के लिए उसे हिबा भी कर दिया यानी घर के अंदर भी बेहतरीन सौजा और घर के बाहर माशरती जिंदगी में खुद उनकी बेटी को देखिए फातमत ज़रा सलाम ने जब तकसीम बंदी की अल्लाह के रसूल ने कि ज़रा तुम अंदर का काम करोगी और बाहर का काम मोलाली करेंगे बहुत खुश हुई ये बाबा मैं बहुत खुश हूँ लेकिन जब बाग गजब किया गया तो फौरन मुकम्मल हिजाब के साथ बाहर आई यानी घर का भी काम मस्त है और ये उजरे मुतर नहीं है कि औरत बस एक चीज है वो बिल्कुल साइड माशरे से नहीं अगर आ, फिर उनके बाद देखिये फातमत जहरा के बाद आप देखिए उम्र साद जैसा जालिम और जाबिर यजीद जैसा सानिया ज़हरा आले में गैर मुल्लिमा अकीला बनी हाशिम नाएब मुस्तफा फातिमतु जहरा की नक्ता अखदा जनाबे ज़ैनब कुबरा ने उम्र साथ जहाँ पर मर्द उसके सामने नहीं बोल सकते थे ज़बानें काट दी जाती है ना वहाँ पर जो है ये माशराती जिंदगी तो बयान की जा रही है इन ये जो आइडियल हैं उलगू हैं हमारे दरमियान मिसाली खवातीन ज़ैनब कुबरा ने वहां हक के लिए यानी आवाज़ बुलंद की कि हक इंत औरत रखती है और अगर किरदार के साथ हुस्न के साथ हया के साथ आगे बढ़े तो एक पहचान और दिनों दुनिया में सरबुलंदी का सबब है तो अगर अपनी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए घर में वो सुकून पहुंचा सकती है जो हज़ार मर्द मिलकर नहीं कर सकते वो तना औरत घर में कर सकती है और यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे ऐसा होता है कि बस औरतें सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं घर का ही काम करें घर में ही रहें बाहर का अगर करना है तो बहुत सारी उंगलियां उठने लगती हैं उनके ऊपर कि नहीं तुम ये बाहर का काम नहीं कर सकती हो अब ये, ये तो आपका तजुर्बा है माशाल्लाह ये चीजें मैंने भी थोड़ा कैच की है माशरे से लेकिन अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि पहले तो मर्द की औरत बाहर ना जाए वो कमाए और मैं कमाऊँ ये जी, सारी चीजें अब लेकिन अब तो लोग खुद जब औरतों की सलाहियतें बर हुए कार आ रही हैं खुद बास घरों में मैंने देखा डिमांड होती है कि भा नहीं फख्र करते पहले मर्द लोग मैंने देखा बहुत ज्यादा एहसास कमतरीर है मेरी जोजा कमाए और मैं जो बैट मतलब बैठ के खाऊं या मैं कर रहा हूँ उसको करने की क्या लेकिन अब तो प्राउडली फील करते हैं मैं भी काम करता हूँ मेरी जोजा, जोजा भी जो काम करती है और घर अगर घर के काम के जिम्मेदारी के अलावा आपके पास इल्म है हुनर है आप बाहर भी जा रही हैं और आप हैंडल कर रही तो बहुत बेहतर है कोई हर्ज नहीं है इसमें और ना उसको यानी कमतर नजर से इस्लाम नहीं देखता उस अब लोग अगर जाहिल हैं तो जहालत ही एक तलखी है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता जी खुआर बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब सुन के और ये एक ये भी है कि बहुत से लोग हैं उन्हें तलाक नहीं पता खुला नहीं पता कि तलाक क्या है खुला क्या है आज कल लड़कियों को तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि तलाक और खुला के मायने क्या है हाँ माशाल्लाह अभी ये भी सवाल बहुत प्यारा है क्योंकि वो दुल्हन बन के बैठ गई और जी, वो आए उनकी तरफ से वकील तो अनका तो उधर से शौहर की तरफ से कबिल तो कबिल तो बस ये सारी चीजें उसके सिवा कुछ नहीं पता लेकिन हकीकत जो है तलाक देखिए तलाक की डेफिनेशन जो आपने कहा नज़रिया तो मैं जब स्टडी कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो दीगर मजाहिब है नाम नहीं लेना है मुझे आप पढ़िए पढ़िए तहकील के लिए तो पता चलेगा कि दीगर मजाहिब में निकाह बहुत हार्ड है जी और निकाह के बाद तलाक का कोई तस्करा ही नहीं है और पहली कितने मजहब तो ऐसे हैं कि शादी ना करो अच्छा है कि भगवान से और ईश्वर से अल्लाह से गरीब होंगे औरत दूर कर देती है ये बहर के की बात है लेकिन अगर निकाह हो भी गए निकाह हार्ड बनाया गया है और अगर निकाह हो भी गया तो तलाक का कोई तस्करा नहीं है आप झेलो जिंदगी भर जिंदगी खत्म हो जाए तो मर्द औरत को झेलो और तो औरत और तो मर्द को कैसा भी हो कुछ भी हो लेकिन इस्लाम इतना प्यारा इतना खूबसूरत इतना यूनिक और इतना दीन फितरत यानी बोलते हैं यानी ऐसा दीन है जो फितरत करती नेचुरल जो हमारी ख्वाहिशात है वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया पहली चीज़ तो इस्लाम ने निकाह को बहुत आसान बनाया जी दिगर मज़हब में बहुत हार्ड निकाह को बहुत आज़ाद, आसान बनाया और तलाक़ को हार्ड बनाया क्योंकि उसमें बहुत सारे शरात हैं अब इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसली और बहुत ही मुफसल गुफगू इस पर होना चाहिए कि तलाक़ हो तो ऐसा सीखा हो अरबी सही हो दो आदिल हों वजिबात पे अमल करें मुस्ताबाद पर अमल करें यह तमाम चीज़ें हैं लेकिन तलाक़ को नापसंदीदा यानी अल्लाह की नज़र में अगर कोई चीज़ बहुत बदतर है वो तो वो तलाक है लेकिन जो आपने कहा कि इसमें औरतों की राइट्स तलाक और खुला है तो इसकी डेफिनेशन और राइट्स है कि आप ये शादी मैंने आयत मैंने पहले ही पढ़ी आपके पहले जवाब में कि शादी सुकून का जरिया है आप रिश्ते इस रिश्ते में मुंसलिक हो गए आपकी शादी हो गई तो अब आप उसके लिए सुकून का जरिया बने शोहर के लिए और शोहर आपके लिए बायसे सुकून का जरिया बने लेकिन अगर ये वजह हो गई कि आप दोनों की जिंदगी ही पूरी जो है यानी बर्बाद होती जा रही है हलाक होती जा रही है तब वहां पर एक रास्ता खोला इस्लाम ने कि आप उसके लिए और वो आपके लिए जिंदगी बर्बाद ना करें यानी ऐसे ये है कि हत्यामकान छोटी थोड़ी बहुत यानी मिस अंडरस्टैंडिंग है कमियाँ है, वो सब अवॉइड करें और बच्चे हो गए तो बिलखसूस जिंदगी गुजारी जाए कंप्रोमाइज़ किया जाए कुर्बानी दे और वो भी वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करें आप भी लेकिन अगर बहुत सा यानी बहुत सारी बुराइयां हैं और आप नहीं आपका दिल दिमाग कल्चर लैंग्वेज सब कुछ प्रॉब्लम फंस गई हैं आप फिर आप यह है कि तलाक का हक मर्द को है औरत नहीं ले सकती तो इतना प्यारा है अभी तो सारे सारेमाकाम मुत्तफिक हैं कि तलाक वहां पर मुतालबा औरत भी कर सकती हक मर्द को है निका का हक औरत को मुझे ही बहुत अच्छा लगता है अच्छी चीज औरत को दी और तलाक का हक मर्द को लेकिन अगर वो फंस गई उसको मालूम नहीं था ऐसे घर में चली गई है कि वहाँ पर उसे यानी गलत काम करवाए जा रहे हैं गुनाह में दे, बड़ी गुनाह में मरतकीब हो जा रही है यानी बहुत शोर सता रहा है जुल्म यानी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हलाक हो जाएगी तो वहाँ पर मुतालबा जो है लड़की कर सकती कर, है तलाक में और अब तो पूरा इंडिया पाकिस्तान में हर एक को नहीं पता चला मालूम है ये बात बातें हर एक को नहीं मालूम है लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान में एक फॉर्म आता है बायदा निका नामा के पीछे जो शर्तें लिखी होती हैं वो बारह पॉइंट्स हैं कि उसमें अगर शोहर छः महीना या इससे कम या ज्यादा कर दे छह महीने तक अगर शोहर नानो नफका पूरा नहीं कर रहा है कोई वजह भी नहीं और पूरा भी नहीं कर रहा है जी आप मुतालबा कर सकती हैं बहुत जुल्म कर रहा है आपके लिए खतरे का बाइस है आप मुतालबा कर सकती हैं वो पांच साल के लिए जिला वतन हो गया कैद में चला गया आप मुतालबा कर सकती है। वो पांच साल के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया आपको पूछ ही नहीं रहा है न कोई बात है ना कोई खबर गिरी है ना कोई हाल दिल सुन रहा है आपका ना नानो नफका आप मुतालबा कर सकती हैं हाथ में शराह की तरफ रुजू कर सकती हैं आपको वो प्रेशराइज कर रहा है कि मैं कैसे आप पैसा लेके आइए आपके बच्चों को आपके ससुराल वाले खुद शोहर बजात खुद वो कर रहा है ऐसा तो आप मुतालबा कर सकती जिसमानी जनों शहर में ऐसा रिश्ता नहीं यानी राइज हो सकता है क्योंकि उसके उसको फिजिकल जिसमानी एतबार से उसको कोई बीमारी लग गई है जिसका आपको भी ख़तरा है तो उस जनो शोहर के वो रिश्ते कायम नहीं हो सकते आप मुताल कर सकती हैं तो ये सारे शरात है फॉर्म में बाकायदा और माएँ इकदाम और तौज़ी मसाल में बाकायदा हैं निका की शक जिसे कहा जाता है तो आप उस चीज का मुतालबा कर सकते लेकिन शादी से पहले उस चीज पे डिस्कशन हो होता ही नहीं है कह मैं इनको यानी अपनी सोजा को ये वकालत देता हूँ ये 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 शरात होंगी तो वो मुझसे मुतालबा कर मुतालबाँ बहुत तफसली मैंने सिर्फ रोशनी डाली ये सारी चीजों पर यूथ शादी से पहले जो है डिस्कशन तो ये खुला है जो हर सिर्फ औरतें ले सकती हैं हाँ खुला का माशाला ये डेफिनेशन है मुख्तसर के आ, अगर औरत को बहुत ज्यादा नफरत हो गई है शोहर से जी और निभा बहुत मुश्किल है तो या नफरत नहीं है उसके साथ शोहर के साथ रहने में, में कोई अजीम गुनाह में मुंतज हो जाएगी तो वो मेहर माफ कर दे और या तो कुछ माल दे के लेकिन वो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली गई कोर्ट में ले लिया जी, जी, या किसी के पास वकील बना के उसको पैसा दे दिया इसको पता ही नहीं है नहीं तलाक हो या तलाक के खुला हो रजामंदी शोहर की वकील उसकी तरफ से भी होगा या वह बज़ात ख़ुद वो बनेगा तो ये राइट्स खुला में और तलाक़ में औरतों के हैं यानी लड़कियों के हैं ये तमाम चीज़ों पर आलिम दीन से मर्जा तकलीफ से हाकिम शराह से डिस्कशन होना चाहिए और बेहतरीन तरीक़े से इस्लाम में दोनों के राइट्स बताए गए जी ख़्वाहार आपका ये जवाब सुन के हम बहुत मतमिन हो गए बहुत अच्छा लगा हमें इसका जवाब सुन के ख़्वा जैसे कि एक सवाल जो शायद सबके दिल में है मगर कोई पूछता नहीं है कि वो एक यानी लड़की है अपना घर बार छोड़ के अपने माँ बाप को छोड़ के ससुराल आती है कि मतलब ये हमारे माँ बाप हैं या वो उनको मानने के लिए तो ये कहा जाता है नहीं तुम बहू हो वो हमारी बेटी है मतलब बेटी और बहू में नज़रिया किया जाता है कि जो भी हो ये हमारी बेटी है तुम बहू हो ऐसा कहा जाता हाँ, है बहुत, बहुत, बहुत जगह ऐसा होता, हाँ, होता है बहुत प्यारा और हंसी भी आती है मुझे जी जी की यानी इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसे जो है मुशाहिदात नजर आते हैं माशरे में चुप रहो तुम बहू हो और वो बेटी है जी जी इस्लाम की नजर से जवाब देखिए बहुत प्यारा है देखिए ये सारे जाहिल जहन के अल्फाज हैं जी जी जाहिल जहन के सवाल मतलब आपके सवाल नहीं कह रहे जी जी जी. जो जिनके हैं आपने मुशाह किया आपने जी. बहुत प्यारा किया कितनी आवाम को उनका जवाब किया बहुत से लोग पूछना चाहते हैं मगर पूछ नहीं पाते पूछ नहीं पाते बहुत खूब और हाउस वाइफ है बिलखसूस तो आपने इतना जिगर किया माशाल्लाह आप आई हैं बहुत अच्छी बात है कि आपने मीडिया को फेस किया तो उसके लिए देखिए जब बेटी घर में आई और क्या है कि ये बेटी है ये बहू है ये कर सकती है क्योंकि बेटी है ये नहीं कर सकती क्योंकि बहू है जी अब देखिए इस्लाम क्या कहता है इस्लाम जब बेटी आई तो क्या कहा ये रहमत का जरिया तीन हो तो भी जन्नत लगे रसूल दो हो तो, तो भी जन्नत, जन्नत, जन्नत। लग रसूल एक ही बेटी है तो भी जन्नत इवन जब मैं पढ़ रही थी इतना प्यारा इस्लाम है कहा कि जिस घर में जिस छत के नीचे बेटी की विलादत यानी जिस घर में बेटी की आमद होती उस छत पे फरिश्ते होते हैं जी। और वो इस्तार करते हैं अहले घर के ऊपर यानी जिस घर के अंदर बेटी, बेटी न तो ये बेटी का है बहुत सारे इसमें यानी फजीलतें हैं बेटी के लिए रहमत का जरिया वो सारी डेप में नहीं जाना लेकिन जब बहू एंटर हुई अब ये बेटी थी जी जी किसी की बेटी तुम्हारे यहाँ आ रही है बहू बन के हमारी बेटी नहीं है लेकिन किसी की बेटी है जब वो तुम्हारे घर में एंटर आ रही एंटर हो रही है दाखिला उसका हो रहा कितना प्यारा इस्लाम कह रहा वहां बेटी आई थी तो रहमत का जरिया यहाँ बहू आ रही है नेमत का जरिया गरम का जरिया तुम्हारे बेटे की ईमान की निस्फ ईमान की जमानत का जरिया सुकून का जरिया नस्ल में एक सवाल औलाद अगर दे दे तो सवाबे जारिया का सत यानी इतना इसका जरिया और जब वो दाखिल हो रही है घर में तो क्या कहा इस्लाम ने वहाँ कहा बेटी रहमत यहाँ बे बहू नेमत और जब घर में दाखिल हो है सुन्नत है आप किताद में उठा के देख लीजिए रस में देखी भी जाती हैं के वो तो सास पैर धो देती है लेकिन एग्जैक्ट ये है कि शोहर, शोहर पैर धोए और उस पानी को किसके बहू के पैर के पानी को थाल में या जिस बर्तन में अतराफ में छिड़के क्यों बरकत का जरिया किसने ये कहा था रसूल Allah, बशर खैरुल बशर ने कहा था किससे अमीर मोमिनान हल्ला मुश्किल मजहर अजायब से कहा था हमारी और आप ये नहीं फजूल की रसमें काताली पैर को धोना जारा के और बरकत का जरिया ये अपने अतराफ में छिड़क देना तो अगर इस उन्वान के मतलब। और अगर मैं जाहिल, जाहिल, जाहिल जवाब दू के वो बहु, बहु है चुप रहे बोले नहीं ज्यादा अच्छे से रहे और वो बेटी है तो मैं तो कहती हूँ इसको तो सर्टिफिकेट मिल गया है ये तो आ गई है बहू बन के इसको अब कहीं नहीं जाना कैसे भी रहे मैं एक जाहलाना अंदाज में एक जवाब दे रही हूँ जी जी ऐसा कुछ है नहीं इस्लाम की नजर अब तो आपकी बेटी को जाना है कहीं और उसको तो अभी सनद नहीं मिली है ना तो उसको कायदे से रहना चाहिए जी आपको समझ में उसको जी अभी जी। दूसरे घर में जाना है उसका अभी सिलेक्शन होगा उसको देखने वाले आएंगे उसको पसंद करेंगे तो उनको कायदे से उनको भी जबान के अगर बहू को जबान संभाल के बात करनी चाहिए वह बस फर्क क्या है वो खून नहीं है और वो मैं तो एक जवाब देती हूँ कभी जब अपनी बेटी की तारीफ करो ना तो दामाद की पहले करो और जब अपने बेटे की तारीफ करने की बात आए तो बहू की पहले करो तुम तारीफ करोगे जर्फ है वो और आगे बढ़ेगी लेकिन कुछ फर्क हो जाते हैं खैर क्या अपनी अपनी समझ की बात है जी जी है नहीं ऐसा होता है ना कि बेटी बहू में बहुत ज्यादा दिया, हाँ, दिया वो है वो कि तो है कि होता मैंने भी मुशायदा किया सवाल बहुत जी ही मुशाह की धड़कने थी शायद जिन तक पहुंचा होगा तो उन्हें बहुत मजा भी आ रहा होगा जी जी आपके जवाब से वो लोग शायद खुश हो गई होंगी इन ताला जी खार हिजाब किस तरह होना चाहिए क्या आज के मतलब आज के जमाने में मुंह खोल के इंडिया में चलना कैसा, कैसा है? है इस्लाम के नजर में जी इस्लाम के नज़र में आप माशाल्लाह मुझसे सवाल कर रही हैं और मैं आपका जवाब दे रही हूँ मेरा मुंह खुला है हाँ आपका बंद है फिलहाल अभी क्योंकि औरतें जो बाहर जा रही हैं जॉब करनी है अर्न करनी है उनके लिए ये बहुत प्यारा सवाल है अगर औरत यानी ढाके एहतियात है तो बहुत अच्छी बात है अगर चेहरा ढाक रही लेकिन अगर नहीं ढाकती तो पहली चीज ये कि मेकअप नहीं होना चाहिए अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए हिजाब यानी यही होता है ना कशिश नहीं होना चाहिए और दूसरी बात ये कि अगर उसका चेहरा और हाथ खुले पर्दा कहाँ तक है जितना नमाज में जी, है ना उतना देखिए आप कफन भी पहनाया जाता है तो, तो उतना ही उतना ही और जब वो काबा में जाती है परवरदी में कितना प्यारा निजाम रखा है वहां पे इसी हाल में है ना जी, और जब नमाज पे खड़ी होती तो उसका उतना कवर होना चाहिए जो हिजाब में आता है तो अब हमारा अगर ये हाथ और ये चेहरा खुला है खुद हम ये मसले शरिये यानी आप जिसकी तकलीद में होंगे जाके देखिएगा, कि हमारा अगर चेहरा खुला है खुद हम बस जाते यानी बिनाफ से खुद हम या हमारा हाथ और खुला रहने से सामने वाला जी। फितने में मुबला हो रहा है जी। तो फिर वहाँ पर वाजिब चेहरा ढक ढकना लेकिन ऐसे वो तो खुद पर्दा करने वाला सिचुएशन और हालात को मद्देनजर रखते हुए करता है और चेहरा अगर खुला हुआ है तो कोई शिकाल नहीं है शुक्रिया खुहार आपका क्या इस्लाम में अपने घर को संभालना और बच्चों को और शोहर को संभालना ये जिहाद कहलाता है और सास ससुर को छोड़ देना मतलब उनकी देख रेख नहीं बहुत प्यारा सवाल है तो ये क्या ये तो है? आज जो नई जनरेशन है और अभी दे, जो दे, इन आयाम में या मतलब इधर जो शादियां हो रही हैं ये दस बारह साल में देखा जा रहा है कि बस न्यूक्लियर फैमिली सेपरेट फैमिली ठीक है वो जो है कि जिम्मेदारी उसके ऊपर शोहर की है जी। बच्चों की है यानी उसके ऊपर जो वाजिब है फर्मा बरदारी जिहाद क्यों कहा गया मैं आपके सवाल का जवाब इसी से दे दूँ जिहाद क्यों कहा जाता है वो वो प्रेगनेंसी में है नाइन मंथ मुजाहिदा है वो घर में काम कर रही है तो मुजाहिदा है क्यों कहा गया मुजाहिद कौन होता है पता है जो खून बहाता है जो इस्लाम की सरहद पे बॉर्डर पे खड़ा होता है यानी अलर्ट रहता है एनी टाइम एनी मोमेंट एकदम यानी मुतवजह रहता है कि कहीं से दुश्मन आके वार ना करे जी। वो लकब किस को दिया गया एक औरत आप ये सोचें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी हकीकत यह है कि आपके शौहर सबसे बड़ा हक आपके ऊपर आपके शहर का है जी कि आप उसकी फरमा बर्दारी करें और बच्चों की परवरिश है वाजिब है जी लेकिन आप ये तो देखें कि आपके शोहर पे सबसे बड़ा हक हाँ किसका है उनके माँ बाप किसका है उनके माँ बाप का उनके माँ बाप का है और दूसरी बात आप ये देखिए जब आय ताहरीन की हदीस उठा के और खुद अल्लाह की आयात में कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ हुकूक उन्नास का ख्याल बनी इसराइल में वो शख्स नमाज पढ़ रहा है इबादत कर रहा है ना हमारी और आपकी नज़र में कितना बड़ा आबिद है वो लेकिन वहीं पर दो बच्चे इंसान की बात तो छोड़िए हकूक की बात कर रही हूँ इंसानियत की बात कर रही हूँ रिश्तेदारों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए उनका तो हक ही है है ना वालदेन की तो बात छोड़ दीजिए उनका तो हक है इंसानियत की बात कर रही हूँ कि वो बनी सराइल में शख्स नमाज पढ़ रहा है और दो बच्चे मुर्गी को नोच रहे हैं उसके पाल ऊपर को उसको कोई परवाह नहीं सेल्फिश है ना खुदगर्ज है नमाज पढ़ा जन्नत के लिए इबादत की मीनिंग क्या होती है अल्लाह की इबादत के साथ लोगों के साथ हमदर्दी इंसानियत, मुरत गमगुसारी अल्लाह ने कहा फरिश्त मतलब ये जमीन इससे निकल जा फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी इबादत कर रहा था इबादत वो जानवर को नोच रहे उसको मना क्यों नहीं किया यानी जानवर के लिए इतना इस्लाम यानी हुक्म दे रहा है हकूक के लिए और फिर दूसरे इमाम इमाम मुश्तबा बैठे हुए एहतकाफ में जहां बाहर नहीं निकला जाता एक इंसान अपनी जरूरत को लेकर आया कि मौला मेरे पास इतने दरम व दिनार नहीं है मुझे कर्ज देना है वरना वो मुझे बहुत सतारा मुझे देना है इमाम दउूम के पास पैसे नहीं थे लेकिन इमाम ने एहतकाफ छोड़ा कि इसकी रिक्वेस्ट और अल्तजा में जाके करूँ शायद फलाने इसको पैसा दे लोगों ने सवाल किया इमाम आपने अहतकाफ इबादत छोड़ी और आप उसकी मदद के लिए गए कहा मैंने अपने नाना से सुना है कि अगर किसी की मदद कर दो हजार शोहदा से अफजल तो ये इंसानियत का हक हाँ है वो तो माँ बाप है शौहर के माँ बाप है अगर आप मतलब आपका शोहर उनको छोड़ देगा तो मुकाफात अमल है आपके बच्चे कैसे अपने माँ बाप के साथ करेंगे और पूरा माशरा कड़ी दर कड़ी सिर्फ हमको ये नहीं देखना हम बहुत सेल्फिश हो जाते नहीं हमारे ऊपर तो ये वाजिब नहीं है हमारे ऊपर दूध पिलाई भी हम चाहे तो ले सकते हैं हमारे ऊपर चाय बनाना वाजिब नहीं है बस हम शोहर की मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर हम डेप में जाके सोचें तो हमें वो करने में मज़ा आएगा दिन की नजरों में देखिए इंसानियत का इतना बड़ा हक है तो तो शहर के माँ बाप शौहर के माँ बाप हैं वो और दूसरी बात ये और कि हमें खुद सोचना चाहिए ना कि हमारे माँ बाप हमारी देख रही है, भाई हैं भाई exactly, एग्जैक्टली तो, बहुत प्यारा सवाल आपने है किया। हमारे भाभी कि अगर हम अपने जब सास जे, जे। ससुर का मसला था लोग कहते तुमने उनको यानी पैसे से मदद नहीं की जितना हो सके कोशिश ये नहीं कहा जा रहा बहुत ज्यादा आप वो कीजिए लेकिन जितनी आपसे जान माल से हो सके तो अगर लोगों से ये कहा जाता है कि तुमने नहीं किया यानी तुमने नहीं किया लोग हमसे आगे कहते तुमने सास ससुर के साथ नहीं किया तो हमने कहा था हाँ हमारे परवाजिब नहीं लेकिन अभी वही हमारी वही आपके जहन में जो सवाल आ रहा है मैं समझ गई कि अभी हमारी बावज अगर हमारे माँ बाप के साथ नहीं करे वही बेटियों को बहुत खून खोलता है खुद वो पर्सनली अपने ससुराल में अपने यहाँ हक नहीं अदा कर रही है जी लेकिन जी उनकी माँ के साथ तो रिटर्न होता है ना जी। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा अगर आज हमारा शोहर और ये है रसूल की हदीस है कि अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा बेहतरीन शोहर कौन है तो ये मत देखो कि तुम्हारा कितना तवाफ करता है तुम्हारे हुक अदा करे ये देखो कि अपने, तो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं तब तुम्हारी औलाद तुम्हारे ये बेहतरीन शोहर की डेफिनेशन बताई गई तो आप अगर आपका शोहर करेगा अपने माँ बाप आपकी औलाद आपके साथ करेगी क्योंकि आजकल वो रैना बहुमे बो बोलती हैं कि नहीं तुम अपने माँ बाप को देखो हम नहीं कर सकते हैं हम बच्चों को देखेंगे तुम्हारे माँ बाप को हो सके कोशिश नियत अच्छी रखिए देखिए अल्लाह कितने मुसबुल असबाब है और फिर यह है कि सास ससुर को भी ऑपरेट करना चाहिए तो हम ये तो चाहिए होता है। है कि अपनी सास ससुर की देखभाल करें ताकि उनके भी माँ बाप हैं उनकी भी देखभाल अच्छे से हो सके अगर सास ससुर की जगह पे हमारे माँ बाप होते तो शायद हम भी उनको अच्छे से ही रखते ऐसा कुछ नहीं करते तो फिक्र बुलंद होनी चाहिए जी शुक्रिया खाहर बहुत अच्छा जवाब आपने दिया खाहर ये भी कि क्या लोगों को सही तारीख हिस्ट्री बताना कितना और फसाद का बायस बनता है और इससे परहेज़ करना चाहिए बिल्कुल नहीं अब हमारे इमामों के साथ क्या हुआ सामान्य उम्री उनकी तारीफ़ी है ना हिस्ट्री है उनके कौन असाब थे अनसार थे शकीफा कुर्बानी देने वालों में से कौन थे और कौन उनके दुश्मन थे किसने जहर दिया क्या वजूहत थी ये सब तो हमें अपने यूथ को जवानों को और बच्चों को बताना है लेकिन हाँ फितना जो आपने कहा अभी कई ऐसे फ़िरक़े के लोग बैठे हैं दीगर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर हम हिस्ट्री छेड़ दें और फिर वो अपना नज़रिया पेश करें हम और बात बढ़ते बढ़ते फितने तक पहुँच जाए तो वहाँ नज़रअंदाज़ करें वहाँ जो है फिटने का सबब बन रहा है तो वहाँ यानी जहाँ पे वो वो अपने लोग हैं वहाँ पे ही हाँ। हिस्ट्री बताई जा सकती है जहाँ पर हाँ ऐसा माहौल है और ज़रूरी है बताना अगर आप हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो इस दौर में में इम्तियाज कैसे कायम किया जाएगा जी क्या हम औरतों को इमाम जमाना सलाम की फ़ौज में शामिल हो हो सकती हैं या हम औरतों के लिए इमाम सलाम की मदद के लिहाज से कुछ तारीख में मिलता है कि हमारा क्या हुकूक है मतलब हमें कैसा हमारा क्या रूल है हमें कैसे रहना चाहिए उनके शामिल होने के लिए उनके इसमें। उनके असार असार में हाँ जब वो क़्याम करेंगे इन उलमा में अख्तिलाफ़ है औरतों के, के लिए लिए अदद अदद में अख्तिलाफ है लेकिन ये बात यकीनी है और जहाँ तक मेरे इल्म में गुजरी मेरी नज़रों से मुत के दरमियान के इमाम जब जफूर करेंगे साहेबल जमान खलीफुलफिल अर्ज पायम आल मोहम्मद तब जब, जब ज़हूर करेंगे तो उस बहुत मतलब बहुत तवील वरीज बहुत बड़े मजमे पर मुश्तमिल वो जो है लश्कर होगा लेकिन उसमें जो ख़वातीन शिरकत करेंगी ये बात हकीकी है यानी ये बात बिल्कुल जो है वाज़े है रोज़ रोशन की तरह उसमें ख़वातीन लेकिन हाँ जो तादाद है कि कितने होंगी उसमें तो कुछा कुछ कहते हैं लेकिन है कि वो शिरकत करेंगी जब इमाम का जहर हुआ ये बात सब जानते हैं कि 313 उनके खास बिल्कुल होंगे 313 उस 313 में भी 50 बाज रवायतों में मिला कि 50 खातन होंगी वो 313 जो खास होंगे उसमें 50 खातन होंगी जो इमाम के बिल्कुल करीब होंगी और उन 50 खवतन में भी 13 ऐसी होंगी जो पलटाई जाएंगी आपने कहा ना जो तारीख जी, में जी, ऐसा जी, कुछ मिला है जी, जी, जो इमाम के यानी जब जहूर होगा तो वो शामिल होंगी तो वो तेरह रजत करेंगी यानी पलटेंगी वो पचास में से और उसमें नाम है मैंने पूरे जो अशरा पढ़ा था विन पे उसमें मैंने मुख्तसर रोशनी भी डाली थी अयाम में कि उसमें सयाना है जो फिरौन के महल में कंगा करती थी जी जी और कंगा गिर गया था और फिर पूरी तफसली गुफ्तु है फिरअन ने तंदूर में बच्चों के साथ डाल दिया था और उन्हें उठाया जाएगा और सुमैया मादर या मारे यासिर जो साबन में से थी इस्लाम लाने वालों में सातवां नंबर था अबू जहल ने जरा पहना के जो है धूप में खड़ा कर दिया था वो भी उम्मे अमारा उनका नाम मिलता है तो ये सारी शख्सियतें जो है वो जो पचास औरतें रहेंगी उसमें तेरह रजत जो उठाए जाएंगी और जो चा चार सौ रवायतों में मिलता है कि इमाम के हमरा होंगी जब इमाम का जहूर होगा सात हज़ार नासिरों में से होंगी और उसमें जो है मतलब जो एकदम करीब होंगी वो ये पचास पचास में तेरह मैं मैं ये कह रही हूँ कि जो है चार सौ सात हज़ार या तेरह या पचास हमारे लिए मसला ये है इतना बड़ा लश्कर होगा हम बहुत गुनगार हैं हम इमाम की यानी इंतजार कर रहे हैं मुंतजर हैं वो हम मुंतजर हैं वो मुंतजर है ना जी हम इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी इबादत है तो कम अज कम इतनी तोफीक हमको अल्लाह दे दे कि जो लश्कर होगा उसे खाने की जरूरत होगी कपड़े की जरूरत होगी तो कम अज कम उनकी जूती साफ करने का शर्फ हासिल हो जाए हमें यही बहुत बड़ी सादत है है हमारे लिए और उसके लिए हमें जो है जो आपने कहा फॉलो करना चाहिए जी हमें रूल्स क्या उनके फॉलो करना चाहिए इमाम हाँ, क्योंकि इमाम कहते हैं कि इमाम कहते हैं कि खुद तुम मुझे बुलाओ किसके जरिए सब्र जमील के जरिए क्या करना है हमें सब्र जमील के जरिए मासीत का दौर है गुनाहों पर सब्र करना है उसने पैदा करना है अपने अंदर किसके जरिए अमल सवाले के जरिए इल्म नाफ़े के जरिए ऐसा इल्म जो हमें फ़ायदा पहुंचाए हमेशा आयमा और मासूम की कमर किसने तोड़ी है पता है जहालत ने और अहमक ने जहालत और अहमक यानी पता है सब कुछ लेकिन दुनिया की मादी चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं जी। तो इमाम बुला रहे हैं इमाम कह रहे हैं कि तुम मुझे बुलाओ सब्र जमील के जरिए इल्म नाफे के जरिए अमल सवाले के जरिए इनशा हम कोशिश करें और परवरदिगार आलम हमें यकीन इब्राहिम यूसुफ जहरा के जहूर में नासरों में शुमार करें हर समाज में औरतों को आजकल मतलब समाज में औरतों को कमतर समझा जा रहा जाता है आज दिगर औरतों के लिए ऐसा हो रहा है कि आप क्या कहना चाहती है अंगेज मतलब तारीख है बाद जगह पे बाद जगह पे लुलू अस्तुरु जो बुद्ध थे उन पर बलि दे दी जाती थी दरिया मौजों में काट के डाल दिया जाता था बहुत तो हैरत अंगेज तारीख है और आज भी आज भी लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगी लोग क्या कहते हैं ना हमें इस पे तवज्जो नहीं देनी अल्लाह रसूल अल्लाह वली अल्लाह मुतकीन मरजे उलमा क्या कहते हैं हमें हर इंसान की तो बात नहीं सुननी बहुत प्यारा मैं आपको अभी ये आ रही है तो मैंने थोड़ा प्रिपेयर जो किया है वो जहन में आ गया यूथ के लिए कि लोग क्या कहते हैं हमें ये नहीं देखना है अगर आप सही हैं इल्म के साथ हुनर के साथ क्वालिटीज़ के साथ तो मेल या फीमेल को सल्यूट नहीं होता है क्वालिटी को ब्यूटी को कैरेक्टर को सलाम होता है कैसे लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है मैं आपको मिसाल दू खदिजतल कु इतनी बड़ी रोसाई अरब में यानी इतनी अमीर तरीन औरत पूरे लंगरबाजी यानी इनका घर दिन में दो बार खुलता था और जितने हाजतमंद आते थे खाते थे खाना पूरा हल मक्का इनके सहन में आ जाता था अब सोचिए जब उन्होंने रसूल से शादी की वाइकआउट कर दिया लोगों ने अब वही अगर हमें लोग हमें लोग सलाम ना करें बाइकॉट कर दें हमें लगेगा हम तो यही मशकूक हो जाएंगे पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं लोग हक बोलने वालों का हले हक अभी भी बहुत कलील है पहले भी बहुत कम तादाद थी आज भी पहले भी लोग करने वाले थे ऐसे ही लोग क्या कहेंगे ये क्या कहेंगे लोग कमतर समझ जनाबे खदीजतुल कुबरा को लोग सलाम नहीं करते थे उनके दर पे खाना खाने वाले उनको बाइकआउट कर दिया था जब ज़हरा अलैहा नौ महीना शिकम में थी एक औरत को एक औरत की जरूरत होती है ना ही हमें कोई उनका साथ देने वाला नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद जब रसूल को पत्थर मारा लोगों ने तो उन्होंने फिर बहुत ज्यादा जब यानी एक तरफ से अली हिफाजत कर हैं और एक तरफ से खदीजतुल कुबरा उन्होंने डोर के पास पहुंच के वही कुरैश मक्का से कहा मुनाफिक से, से तुम वही लोग हो जो मेरे दर पे आके पेट भरते थे ये क्या बोल रही थी उन्होंने खुद को पहचाना औरत अपने आप को पहचाने अपनी पहचाने क्वालिटीज को पहचाने सलाइय को पहचाने, पहचाने दुनिया सलाम करेगी दीन सलाम करेगा फिर जब उन्होंने वही अहले कुलेश को कहा होते थे आज तुम रसूल अल्लाह को पत्थर मार लोगों ने उंगलियां दबा दी वो मर्द कुछ कह नहीं पाए उस दौर में जहां पर औरतों को जिंदा दफना और फिर अल्लाह सलाम कर रहा है जब जख्मों पर मरहम लगाया जबरील जहाँ कह दो रसूल से इतनी अदा पसंद आई कि रसूल अल्लाह सलाम कर रहा है ऐसी जन्नत में महल बनाया जिसके दोनों तरफ दरियाएं और ठंडी हवाएं चल रही हैं फिर लोग कहने का क्या, क्या फिर उन्हीं की बेटी कि जब आसिफ ने वायल रसूल अल्लाह को दोनों औलाद के चले जाने के बाद का अब तर है अल्लाह ने कहा कौसर जैसा ना कोई सूरा है ना जहरा जैसी कोई बेटी है और दुना रसूल भी झुक रहे हैं इमामत भी झुक रही है लोग कहें तो क्या कहें और फिर वही दुश्मन सद्दाम ने क्या कहा यजीद ने गलती की थी हुदा को उसने कितनी ज़्यादा यानी अजियतें पहुँचाई शहीद शहीद किया ना बहुत अजियत दे, पहुंचा दे, के दे। तो सद्दाम ने यह जुमला कहा कि यजीद ने गलती की थी जो लोग औरत को कम तर समझते मैं उसका जवाब दे रही हूँ लोग समझते समझ समझा करें दीन क्या कह रहा है अल्लाह क्या कह रहा है वली अल्लाह क्या सद्दाम ने कहा यजीद ने गलती की थी कि जैनब को छोड़ दिया मैं जो बाकर सदर को मैंने शहीद किया उनकी बहन को नहीं छोड़ूंगा क्यों क्योंकि उनसे जवाब पूछा गया क्योंकि हुसैन तो मारे गए थे अगर जैनब जिंदा ना होती तो उनका मिशन आगे ना बढ़ता तो वो उम्र सात के लश्कर में और वो एक रसन बारह गले और जहां पर बहत्तर चौदह का सर जहां पर एक से बढ़कर एक यूसुफ वहां औरत को कमतर समझने वाला यानी मीसम तमार की जबान जिस मजमे में काट दी गई हो और जहां पर मौला अली के गले में रस्सी बांध के निकाला गया हो और जिसे आबुजर गफ्वारी को जिला वतन किया गया मर्द नहीं बोल सकता था औरत ने बोल के बताया कि अगर इल्म है हया है हुनर हो तो लावी कहता है ऐसी औरत असीरी के बाद आजादी का मैसेज देती है और आज वही है जो अम अजा जो पूरी कायनात में जैनब की तो लोग क्या कहते हैं ना देखिए अल्लाह और अल्लाह का दीन और रसूल अल्लाह क्या कहते हैं दुनिया और दीन सलाम करते हैं ऐसी खातिन को जी मतम हुई आप बहुत मतम हो गए ख्वाहर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस बारे में ख्वाहर लास्ट क्वेश्चन हम औरतों के लिए आप कुछ पैगाम दीजिए जो जितने भी सवाल आपने किए बहुत प्यारे थे यकीन मैं आपको बहुत दादो तहसीन से नवाजना चाहूंगी और अल्लाह तोफ़ी में इजाफा फरमाए क्योंकि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ जब से आप आई हैं कि हाउस वाइफ ज्यादातर मोस्टली अभी इंडियन कल्चर में लोग ज्यादातर हाउस वाइफ हैं यानी जो औरतें हैं जी। और उनके लिए घर में रह के काम करना बहुत सारी ऐसी मेजोरिटी में वो बैठती है मजमे में जहाँ पर सब अर्निंग करने वाली होती हैं बहुत स्मार्ट अपने आप को समझती हैं एडवांस और उसमें फिर हाउस वाइफ कुछ बोल नहीं पाती कि मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ तो पहली चीज़ तो खातन के लिए घर का काम सबसे डिफिकल्ट है एवरी टाइम एवरी मोमेंट वो काम करती जॉब करती कोई ना संडे ना मंडे उसकी कभी छुट्टी नहीं चौहार मियाँ तो संडे को बैठ के चाय पीते हैं वो उस दिन भी उस दिन तो उसका और काम बढ़ जाता है हाउस वाइफ का है ना जी वो कभी इसलिए अल्लाह ने कहा कि इसके ऊपर काम वाजिब नहीं है लेकिन एक कप अगर उठा दे अल्लाह अपने करम को इसमें जलवा कर करता है सात खंदगों को खोद देता है बहिष्ट इस्तकबाल करती है तो घर का काम करना मतलब छोटा नहीं है और हाउस वाइफ होने के साथ अगर कोई आप जैसे आपने टेंथ पास किया है और उसके बाद आप हाउस वाइफ है आप यहाँ बहुत बड़ी ये मैं आपको सल्यूट करने का है कि आप मीडिया पर क्या, क्या फेस कर रही है हम लोग ने देखा कि फर्स्ट टाइम आओ तो बहुत दिल धड़कता है और उलझन के कैसे लोग हमें देखेंगे कैसे बोलेंगे क्या गलती आप आए ये बहुत बड़ा यानी दादो तहसीन का मौका है और इसी तरह जितनी भी खातिन हाउस वाइफ है वो एहसास कम तरी इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो बल्कि उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है हुनर है इल्म है जो कुछ भी है उसे बरुए कार लाएं और दूसरी बात ये मैं सच देना चाहूंगी कि हया के जो आपने कहा ने कमतर समझते हैं और पूरे समझ ली इसका बहू बेटी और जो आपने कहा कमतर समझते हैं और औरतों का रोल और माशरा ये सारी चीज तो एक में जुमला और एक शेर बहुत प्यारा है बहुत मौसरकुन होते हैं शेर शामी गुफ्तु होती है दो लाइन उन्हें भी जिद है वहां बिजलिया गिराने की उन्हें भी जिद है वहां बिजलिया गिराने की हमें भी जिद है वहीं पर मका बनाने की यूथ सुने हया के साथ इफ़त के साथ, गैरत के साथ हिजाब के साथ पाक दामनी के साथ गमगुसारी के साथ मोहब्बत के साथ मुरत के साथ इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए अगर ख़वातीन घर में हैं बाप के तो रहमत शोहर के घर में निस्वे ईमान का जरिया और माँ बन जाए तो दामहत ज़माना सलाम करता है और दीन इस औरत को सलाम करते हुए हर लम्हा नजर आता है और खुद अल्लाह के रसूल ने ताजीम करके ऐसी खातून को रोल मॉडल बनाया कि हम और आप इस दौर में बेचैन न हो हया को पागदमी को मद्देनजर रखते हुए सही है बादजहरा सिद्दीकबरा के नक्शे कदम पर चले हया के साथ और हया हमारी नज़र में हो यूथ के लिए सिर्फ हया मतलब हिजा आपके साथ नहीं सिर्फ जाब नजर में हया फिक्र में हया बात में हया इतना हसीन हो यानी इस्लाम की हसीन बॉन्ड्री जो है सर्कल में उसमें हम अपने हसन को बरवेकार किरदार को बरवेकार कर लें इन तमाम खातिन तमाम जितनी भी बच्चियां जितनी भी जवान लड़कियां दिनों दुनिया की परवरदिगार आलम कामयाबी इनायत फरमाए आपकी नेक तोफ़ीक में इजाफा फरमाए कि जो सफर अख्तियार करता है वही मंजिल को पार करता है आपने सफर अख्तियार किया अल्लाह इस सफर को तवील दिन के सफर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जजाकला आपका भी बहुत 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 शुक्रिया पूरी चैनल विन की टीम का कि मैं देखती हूं कि जो काम जो भी अंजाम देता है उसमें हुस्न नजर आना चाहिए यानी प्रॉपर तो ये पूरी टीम जो है ना आने वाले भी बहुत हुस्न के साथ जो होस्टिंग करते हैं साजिद वो भी बहुत हुस्न के साथ यहाँ जितने भी कैमरामैन हैं जितने भी सुनने वाले वर्कर्स हैं वो सब हुस्न के साथ तब जाके एक शो कंप्लीट बनता है और रिले होता है अल्लाह इस चैनल की नेक तोफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए इलाहिया है आमीन जी हाँ नाज़िन मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में आइए हम मुलाकात करते हैं एक बार फिर से फातिमा आपको कैसा लगा प्रोग्राम एक मौका में हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम और दिल भी खुश हुआ क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से हमें जवाब दिया हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने बहुत आसानी से समझा दिया और बहुत सुकून मिला हमें अच्छा सुकून मिला तो यहाँ आकर जो है आप सोच रही थी कि जवाब मिलेगा सही तरीके से या नहीं वो सब आप सेटिस्फाई हैं आंसर से जी 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 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आपने इनके सवाल देखे नसीन फातमा के तो सवाल देखने के बाद आपको कैसा लगा कि हकीकत में ये ऐसे सवाल समाज में होते हैं माशाल्लाह मैं एक जुमला जो शेर जिन्हें शेर की ज़बान समझ में आती है तो नाजरीन के लिए खुद इनके इनको सराहते हुए कि जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं आपने बताया कि आगाज़ में आप हाउस वाइफ़ हैं मोस्टली मैंने देखा है कि जो हाउस वाइफ़ होती हैं वो ज़्यादा बस घर के कामों में बाहर निकलना फ़ेस करना वो भी मीडिया को प्लेटफॉर्म पर आना है उन लोग के लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा यानी बहुत मुश्किल होता है लेकिन आप यहाँ आई अल्लाह आपके इस मुख्तर से सफ़र को जैसा मैंने कहा जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते रोज़े हशर के सफ़र तक मिला दे और इन शाह तीन के सफ़र को तोलानी और बहुत तोलानी और इस तरह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाबी कम रही और जितनी भी हाउस वाइफ हैं घर में बैठ के इस शो को एक मौका को इस प्लेटफॉर्म से देख रही हैं परवरदिगार दिगार उनकी जितनी भी सालायत हुनर है हुस्न को क्वालिटी को ब्यूटी को बहुसन ख़ूबी भरूए कार लाने की तोफ़ी इनायत फरमाए तमाम खातिन के लिए इन शुरू चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आ, जैसा कि प्रोग्राम एक मौका में जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है और प्रोग्राम एक मौका में हिस्सा लेता है तो हम उसको चैनल विन की तरफ से एक निशानी देते हैं टोकन ऑफ लव तो मैं उधूँगा कि आप अपने हाथों से नसरीन को दें बहुत बहुत मुबारक हो बहुत खुशी हुई मुझे बहुत तहे दिल से आपको ये मुबारक हो और अल्लाह आपकी नेक में दिन दुना चार चौगुना फरमाए आमीन शुक्रिया चलिए आपका चैनल विन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आई जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को आप नाजरीन के लिए पैगाम यही है कि जो भी अगर वो उनके दिल में है कि हमें सवाल करना चाहिए हम कैसे जाए वहाँ पे सवाल करने के लिए या जो भी है उन्हें ये चाहिए कि अपने आप को वो मजबूत करें और सोचें कि अगर हमें सवाल खुद जाके पूछना चाहिए तो वो यहाँ पे आए साजिद भाई से अपना सवाल दें वो खुद ही आपको बुलाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे कि उसका आप जवाब लें और हो सकता है कि बहुत से लोग सोचते होंगे नहीं हमें शर्म आती है हम कैसे जाएँ ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपके दिल में है ये ख्वाहिश कि आप जाना चाहते हैं एक मौका में तो आप ज़रूर आएँ जिस तरह हमने सोचा था कि हम नहीं जा पाएंगे मगर हमने कोशिश की और हम इस मुकाम पर आए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं साजिद भाई का और इस पूरी टीम का कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है इस टीम में आने के लिए जी हाँ नाजीन आपने देखा कि प्रोग्राम एक मौका में नसरीन फातिमा मुंबई की रहने वाली जिन्होंने बेहतरीन तरीके से सवाल किया अगर आप भी हमारे प्रोग्राम एक मौका में आना चाहते हैं या आपके जहन में भी उठ रहे हैं कुछ ऐसे सवाल जिसकी आपको तलाश है चैनल विन ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको एक मौका के जरिए देता है तो एक मौका के दरवाजे आपके लिए खुले हुए अगर आप भी प्रोग्राम एक मौका में आना चाहते हैं तो कम से कम दस सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह सवाल आप हमें ई कर सकते हैं हमारा ई एड्रेस है ई एम विन सेवन एट सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ज़्यादा मालूम के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारा नंबर है नाइन सिक्स वन नाइन सिक्स सिक्स सेवन फाइव सेवन एट दिन और आखरत की ज़्यादा मालूम के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन शुक्रिया खुदाफिज